क्वेश्चन 12 है, दिया गया फलन है टेन लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस ई। हम दिए गए फलन को y के बराबर मान लेते हैं, तो y बराबर हो गया हमारा दिया गया फलन। अब देखो ये टेन एक्स का रूप है, ये हमारा पूरा x हमें मानना होगा, तो डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x होता है, बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए यदि हम अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स ये मान कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अर्थात लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस ई। अब हमने इसको एक्स माना है, जो मझले ब्रैकेट में हमने लिखा है इसको एक्स माना है, तो इसको हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा इन टू d बाई डी एक्स ऑफ लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस, ये हमारा d बाई डी एक्स ऑफ, ये हमने जिसको माना उसको हमने दोबारा से अवकलन करना होता है चेन रूल के अनुसार। अब देखो इसका हमें अवकलन करना है तो लॉग में अब अंडर रूट है क्योंकि, तो अंडर रूट का मतलब पावर एक बटा दो, अर्थात हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक बटा दो। हम अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक बटा दो लिख सकते हैं, और जब हम ऐसा लिखते हैं लॉग बेस ई वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक बटा दो, तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, क्योंकि लॉग का नियम क्या है, लॉग एम की पावर एन टू द बेस ए एन लॉग एम टू द बेस ए के बराबर होता है। ये लॉग एम की पावर एन में जो पावर है वो यहां प्रोडक्ट में आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, तो ये वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा, इसलिए हमारा मान क्या हो गया सिंप्लीफाई होके सेक स्क्वायर लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस ई, ये तो हमने एज इट इज लिख लिया। हमें डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक बटा दो टू द बेस ई, इसका हमें ज्ञात करना है, और ये पावर मल्टीप्लीकेशन में आ रही है, इसलिए एक बटा दो को यहां हम मल्टीप्लीकेशन में ले लेते हैं, एक बटा दो को हम यहां मल्टीप्लीकेशन में ले लेते हैं। अब एक बटा दो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हमें लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का निकालना है अवकलन, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, इसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सेक स्क्वायर लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस ई, ये तो एज इट इज आ गया, वन अपॉन टू बाहर आ गया, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, इसलिए ये हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन का हो गया जीरो, एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स, जिसको माना उसको दोबारा से अवकलन करना होता है चेन रूल के अनुसार। ये हमने अवकलन कर दिया, दो से दो कैंसिल हो गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, अर्थात हमारा मान क्या हो गया, हमारा व्यवस्थित कर लेते हैं एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हमें एक ब्रैकेट में मिल गया, इंटू सेक स्क्वायर ब्रैकेट में लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस ई, ये हमारा एज इट इज आ गया। ये हमारा इस प्रकार से अभिष्ट अवकलज हमने प्राप्त कर लिया दिए गए फलन का।